गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ज्ञानेंद्र कुमार नायक आपकी साइंस बुक साइंस क्रिएशन से चैप्टर थर्ड चैप्टर थ्री स्केलेटल सिस्टम अस्थि तंत्र पढ़ाएंगे। तो इसमें देखिए वार्म अप में थिंक एंड ड्राइव सोचिए और लिखिए फॉर इम्पोर्टेंट जॉब्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। चार महत्वपूर्ण कार्य जो है स्केलेटल सिस्टम आप इसमें देखना पड़ेगा आपको। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन योर बॉडी, कौन सा सबसे छोटा हड्डी है आपके शरीर की, वेयर इज इट इज लोकेटेड, कहाँ पे स्थित है, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन योर बॉडी, कौन सी सबसे बड़ी हड्डी है, हाउ मैनी बोन्स आर इन वन हैंड, एक हाथ में कितनी हड्डियां हैं, हाउ मैनी बोन्स डज एन एडल्ट स्केलेटन है, कितनी जो है हड्डियां जो है एक व्यस्क या अस्थियों में पाई जाती है, हाउ मैनी बोन्स इन बेबी बॉर्न विथ, कितनी हड्डियां जो है जब बच्चा जन्म लेता है उसकी होती है, व्हाट हैपेंस टू एक्स्ट्रा बोन्स, क्या होता है अतिरिक्त बोन्स जो होती है, इन इन सब के क्वेश्चन के आंसर देने आप देंगे, बुक में दिया भी है, इसमें से पढ़ के देना है। स्केलेटल सिस्टम इज बायोलॉजिकल सिस्टम प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अस्थि तंत्र जो है जैव तंत्र की, अस्थि तंत्र जो है जैव तंत्र का है भाग है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट जो कि सहारा देता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अवर स्केलेटल सिस्टम इज ऑल ऑफ द बोन्स इन द बॉडी एंड द टिश्यू सच एज टेंडन्स लिगमेंट्स एंड कार्टिलेज दैट कनेक्ट देम, हमारे अस्थि तंत्र जो है इसकी जो सभी हड्डियां हैं जो कि हमारे शरीर में है, एंड द टिश्यू और उत्तर सच एज टेंडन्स, जैसे टेंडन्स है लिगमेंट्स है कार्टिलेज है, ये कनेक्ट करते हैं एक दूसरे जुड़े हुए इसकी त्वचा मसल्स मांसपेशियां एंड बोन्स हड्डियां अलाउ मूवमेंट, ये गति प्रदान करती है शरीर को, मसल्स डू एक्चुअल मूविंग, मांसपेशियां जो है ये गति करती है गतिशील होती है, बोन्स गिव सपोर्ट हड्डियां जो है सहारा प्रदान करती है टू मूव अगेंस्ट मूव करने के लिए गति करने के लिए, अवर टीथ आर आल्सो considered as a part of our skeletal system, हमारा टीथ भी जो है हमारे दांत भी जो है एक भाग है हमारे अस्थि तंत्र के, but they are not counted as bone, लेकिन इनको हड्डियों के रूप में नहीं counted किया जाता, हड्डियों के रूप में नहीं गिना जाता, our teeth are made of enamel and dentin, हमारे दांत जो है बने हुए enamel और डेंटिन से, एनिमल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सबस्टेंसी इन अवर बॉडी, एनिमल्स जो होता है जो दांत पाए जाते हैं ये सबसे मजबूत पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के, स्केलेटल सिस्टम इज नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स एंड इज नीडेड बाय द मसल्स फॉर मूवमेंट, स्केलेटल सिस्टम अस्थि तंत्र जो है आवश्यक प्रोटेक्शन करते हैं हमारे महत्वपूर्ण जो वाइटल ऑर्गन्स है महत्वपूर्ण अंग है शरीर के अंदर उनकी जो है प्रोटेक्शन करते हैं, एंड इज नीडेड बाय द मसल्स फॉर मूवमेंट, और जो है इनके द्वारा मांसपेशियां जो है गति करती है मांसपेशियों को गति की आवश्यकता होती है, हाउ डज द स्केलेटल सिस्टम हेल्प अस, कैसे जो है अस्थि तंत्र जो है हमारी सहायता करते हैं सपोर्ट सहारा, द मेन जॉब ऑफ जॉब ऑफ द स्केलेटल स्केलेटन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अवर बॉडी, मुख्य जो कार्य है स्केलेटन सिस्टम का ये जो होता है प्रोवाइड सपोर्ट, ये हमारे शरीर को सहारा प्रदान करते हैं, विदाउट अवर स्केलेटन बिना अस्थियों के योर बॉडी आपकी शरीर वुड कोलैप्स इनटू अ हीप, ये जो है बॉडी जो है बिना हड्डियों के एक ढेर के समान हो जाती है, एक ढेर जो ऐसे होता है किसी वस्तु का ढेर रख दिया जाए उस तरह जो है हड्डियां जब नहीं रहती शरीर में तो सब जो है कि एक ही जगह भी इकट्ठा हो जाता है हमारा शरीर, अवर स्केलेटन इज स्ट्रांगेस्ट बट लाइट, हमारे अस्थि जो है अस्थियां जो है मजबूत होती हैं
लेकिन हल्की होती है, प्रोटेक्शन सुरक्षा। अवर स्केलेटन आल्सो हैज प्रोटेक्ट अवर इंटरनल ऑर्गन्स एंड फ्रैजाइल बॉडी टिश्यू। हमारे अस्थि तंत्र अस्थियां जो है ये सुरक्षा करते हैं हमारे आंतरिक जो अंग होते हैं और जो बॉडी के ऊतक होते हैं। द ब्रेन आईज हार्ट लंग्स एंड स्पाइनल कॉर्ड्स, मस्तिष्क आंख दिल लंग्स फेफड़े एंड स्पाइनल कॉर्ड्स मेरुरज्जु आर प्रोटेक्टेड बाय स्केलेटन। ये सभी जो है अस्थियों से प्रोटेक्टेड किए जाते हैं, अस्थियों के द्वारा इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। अवर क्रेनियम प्रोटेक्ट अवर ब्रेन एंड आईज, हमारे स्कल जो है खोपड़ी या क्रेनियम कहा जाता है स्कल को, ये सुरक्षा करती है ब्रेन की मस्तिष्क की आंख की। द रिब्स प्रोटेक्ट रिब्स जो है प्रोटेक्ट करती है सुरक्षा करती है अवर हार्ट हमारे हार्ट की दिल की एंड लंग्स और एंड अवर वर्टीब्रेस और हमारे जो बैकबोन्स हैं जिसे वर्टीब्रेस का भी कहा जाता है स्पाइन या तक ये प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की मेन वृद्धि की। मूवमेंट गति बोन्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फॉर मसल टू अटैच सो दैट अवर बॉडीज आर एबल टू मूव। गति बोन्स प्रोवाइड हड्डियां जो है उपलब्ध कराती हैं स्ट्रक्चर संरचना और मसल्स मसल्स के लिए संरचना प्रदान करती हैं उपलब्ध कराती हैं। अटैच टू अटैच सो दैट बॉडी आर एबल टू मूव, ये मांसपेशियों से जुड़ी रहती हैं जिसके कारण जो है कि बॉडी जो है मूव करती है। टेंडेंस आर टफ इलास्टिक बैंड्स, टेंडेंस जो होते हैं मजबूत और इलास्टिक बैंड्स होते हैं लचीले बैंड्स होते हैं दैट होल्ड अटैच जो कि पकड़े रहते हैं हड्डियों मसल्स को बोन्स से पकड़े रहते हैं। बोन्स हड्डियां बेबी हैव मोर बोन्स देन अडल्ट, बच्चों में जो है अधिक हड्डियां पाई जाती हैं अडल्ट के व्यस्त के तुलना में। एट बर्थ जन्म के समय वी हैव अबाउट 300 बोन्स, हम लोगों में 300 हड्डियां पाई जाती हैं यानी बच्चों में जो है 300 हड्डियां पाई जाती है जन्म के समय। एज वी ग्रो ओल्डर और जैसे जो है कि हम बड़े होते जाते हैं स्मॉल बोन्स ज्वाइन टूगेदर, छोटी हड्डियां जो है एक दूसरे से जो है कि ज्वाइन हो जाती है एक दूसरे से जुड़ जाती है मिलकर के साथ टू मेक बिग बोन्स और वे बड़ी हड्डियां बनाती है। अडल्ट से एंड अप विथ अबाउट 206 बोन्स और व्यस्क में जो है अंत में व्यस्क में 206 हड्डियां होती हैं। ओल्ड बोन्स आर डेड, पुरानी हड्डियां जो है डेड हो जाती मृत हो जाती ड्राई शुष्क हो जाती हैं ब्रिटल हो जाती हैं टूट फूट जाती हैं बट इन द बॉडी लेकिन शरीर में बोन्स आर वेरी मच एली, लेकिन बोन्स जो होती है शरीर के अंदर बहुत अधिकतर जो है लीव रहती हैं जीवित रहती हैं। दे हैव देयर ओन नर्व्स, इनकी जो है कि अपना स्वयं तंत्रिकाएं होती हैं एंड ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स होते हैं एंड दे डू वेरियस जॉब्स और ये अलग अलग कार्य करती हैं सच एज स्टोरिंग बॉडी मिनरल्स लाइक कैल्शियम, जैसे कि इसमें जो है कि बॉडी मिनरल्स जैसे कैल्शियम का स्टोर होता है बोन्स के अंदर। बोन्स आर मेड ऑफ मिक्स ऑफ हार्ड स्टफ दैट गिव्स देम स्ट्रेंथ, बोन्स जो है हड्डियां जो है बनी होती हैं मिश्रण से एक हार्ड जो है कि हार्ड स्टफ होता है जिससे जो है कि मिलकर बनी होती है गिव्स देम स्ट्रेंथ इससे जो है कि ये मजबूती प्रदान करती है। एंड टोन ऑफ लिविंग सेल्स विच हैज देम ग्रो रिपेयर देमसेल्फ और जो है सजीव कोशिकाओं को सहायता करती है वृद्धि और मरम्मत में। कैल्शियम इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल फॉर बोन सेल्स, कैल्शियम जो है एक महत्वपूर्ण खनिज तत्व है जो कि बोन सेल्स के लिए आवश्यक होता है। फंक्शन ऑफ बोन्स हड्डियों के कार्य फॉर सपोर्ट इट प्रोवाइड फॉर सपोर्ट इट प्रोवाइड हार्ड टिम्बर, सहारा के लिए ये जो है मजबूत फ्रेमवर्क का कार्य करती है।
फ्रेमवर्क का जैसे एक ढांचे की तरह कार्य करती है। प्रोटेक्शन ऑफ मैनी विटल ऑर्गन, बहुत से जो है जो विशेष अंग होते हैं उनकी जो है सुरक्षा करती है, जो शरीर के अंदर विशेष अंग होते हैं उनकी सुरक्षा करती है। एक है लीवर्स, लीवर्स विथ स्केलेटल मसल्स मूविंग बैक, ये लीवर्स का काम करती है जो अस्थि मांसपेशियां हैं मूव करती हैं उनके लिए। ज्वाइंट्स कंट्रोल पॉसिबल मूवमेंट्स, जोड़ों में जोड़ों का नियंत्रण करती है संभव गति के लिए, हर संभव गति के लिए जोड़ों जब गति करती है हमारे शरीर की हड्डियां तो उसमें जोड़ों का कंट्रोल करती है। मिनरल स्टोरेज स्पेशली कैल्शियम एंड फॉस्फेट, मिनरल्स जो है कि संग्रह होते हैं विशेषतः कैल्शियम और फॉस्फेट, क्रिटिकल मिनरल्स फॉर सेलुलर फंक्शन, जो मिनरल्स है खनिज जो है ये कोष की कार्यों में उपस्थित के लिए आवश्यक होते हैं। एजुकेट्स कंट्रोल ऑफ कैल्शियम आयंस लेवल्स नेसेसरी फॉर फंक्शन ऑफ नर्व, जो है कि कैल्शियम आयन का लेवल को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है, जो तंत्रिकाओं का कार्य होता है या मांसपेशियां भी है। ब्लड कोगुलेशन रक्त के जमने एंड अदर फंक्शन और दूसरे कार्यों में, तंत्रिकाओं में मांसपेशियों में या ब्लड के जमने में कैल्शियम का यह आवश्यक होता है, कैल्शियम का कार्य होता है। ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स विच रेगुलेट ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट जो है कि नियंत्रित होते हैं, ये हार्मोन जो होते हैं नियंत्रित होते हैं बाई हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं, विच रेगुलेट जो कि नियंत्रित किए जाते हैं ब्लड लेवल्स में कैल्शियम। अब फाइव है ब्लड सेल फॉर्मेशन, रक्त कोशिकाओं का निर्माण। सर्टेन बोन्स है एक्टिव मैरो, कुछ बोन्स में जो है सक्रिय मैरो पाई जाती है बोन मैरो, जहां पे रक्त का निर्माण होता है। टाइप्स ऑफ बोन्स, बोन्स के प्रकार, द 3 month old फोटस, 3 महीने का जो फोटस होता है, हैज एन अर्ली स्केलेटन लाइक फ्रेमवर्क, उसमें जो है कि प्रारंभिक है अस्थियों की तरह संरचना पाई जाती है, फ्रेमवर्क पाया जाता है। कंपोज ऑफ कार्टिलेज, ये जो है 3 महीने के बच्चे में जो बनता है ये कार्टिलेज से बना होता है, एंड कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन से। एज द फोटस मेच्योर, और जैसे ही जो है कि फोटस जो है मेच्योर होता है, परिपक्व होता है, द कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू चेंज इन टू बोन्स, कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू जो है परिवर्तित हो जाते हैं बोन के रूप में। द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एज कार्ड ऑसिफिकेशन, निर्माण हड्डियों का निर्माण जो है ऑसिफिकेशन कहा जाता है। ऑसिफिकेशन अकर्स इन डिफरेंट वे इन फ्लैट एंड लॉन्ग बोन्स, ऑसिफिकेशन जो है उपस्थित होता है अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रकार के फ्लैट चपटे और लंबे बोन्स के रूप में। फ्लैट बोन्स, बोन्स कम इन मैनी शेप्स, हड्डियां जो है आती हैं, हड्डियां जो है बोन्स कम से इन मैनी शेप्स, हड्डियां जो होती हैं बहुत से आकार की होती हैं, बहुत सी आकृति की होती हैं, फ्रॉम द पी साइज से साइज की होती हैं, मटर के साइज की होती हैं हड्डियां भी होती हैं, जो कि रिस्ट में पाए जाते हैं कलाई में, टू द 24 inch लॉन्ग फीमर इन द थिक, और थिक में जांग में जो है सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है 24 inch की होती है। द साइज एंड शेप बोन रिफ्लेक्ट इट्स फंक्शन, इस प्रकार से साइज आकृति और आकार के आधार पर के कार्य दिए गए हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि सबसे छोटी हड्डी जो है कि कलाई में पाई जाती है, जो कि पी के साइज की होती है, मटर के दाने की साइज की होती है, मटर की साइज की, और सबसे लंबी हड्डी जो पाई जाती है आपके जांग में पाई जाती है, जो कि 24 inch लंबी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। लॉन्ग बोन्स, सबसे बड़ी हड्डी, लॉन्ग बोन्स आर लॉन्गर देन दे आर वाइड, लॉन्ग बोन्स जो होती है सबसे लंबी हड्डी जो होती है लंबी होती है और चौड़ी होती है। दे आर फाउंड इन द आर्म्स एंड लेग्स, ये जो है पाई जाती है हाथ में और पैर में। शॉर्ट बोन्स,
छोटी हड्डी है। शॉर्ट बोन्स शेप्ड लाइक क्यूब्स, शॉर्ट बोन्स जो है क्यूब्स के आकार के होते हैं एंड आर फाउंड प्राइमरली इन द रिस्ट एंड एंकल्स। ये कलाई में पाई जाती है और एंकल्स में पाई जाती है। फ्लैट बोन्स चपटी हड्डी, फ्लैट बोन्स आर थिन। फ्लैट बोन्स जो होती हैं पतली होती हैं, चपटी होती हैं और कफ होती हैं। दे फॉर्म द रिब्स, ये जो है रिब्स का रिब्स में का निर्माण करती हैं। ब्रेस्ट बोन छाती के हड्डियों का निर्माण करती हैं एंड स्कल और खोपड़ी का निर्माण करती हैं। इरेगुलर बोन्स, इरेगुलर बोन्स जिन इरेगुलर बोन्स आर डिफरेंट से। इरेगुलर बोन्स जो होते हैं ये अलग अलग शेप की होती है एंड आर नॉट क्लासिफाइड, और इनको जो है ये वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। एंड लॉन्ग शॉर्ट आर फ्लैट, जैसे कि लंबी या छोटी या चपटी हड्डियों को किया जाता है। दे इंक्लूड द हिप बोन्स, ये इसमें जो है हिप बोन्स होती है, कूल्हे की हड्डी, वर्टिब्रेट्स रीढ़ की हड्डी एंड वेरियस बोन्स इन द स्केल्स, और अलग अलग बोन्स जो होती है स्केल की खोपड़ी की, ये इरेगुलर बोन्स में आती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। थैंक्स।